हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाया एक जो इन्वर्टर बोर्ड था, इसको मॉडिफाई किया। ये 100 वाट 200 वाट तक लोड लेगा। ये दो मॉस्फेट का बोर्ड है, ये देखिए दो मॉस्फेट, और ये बोर्ड पहले था। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें देखिए ये एनी 555 आईसी है, इसको लगा के ये सेट को इन्वर्टर बनाया। तो इसमें इसका सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा कैसे बनाया। फिलहाल ये देख लीजिए, ये इसमें ये इतना बड़ा बोर्ड है, इसका कुछ नहीं काम है। इसमें सिर्फ ये ऊपर से ये एक पीएफ लगेगा, ये दो रेजिस्टेंस लगेगा और एक पीएफ लगेगा, और यहाँ एक वन के रेजिस्टेंस और ये टेन के रेजिस्टेंस है, और ये दो मॉस्फेट काम किया गया, और यहाँ पे एक 547 NPN ट्रांजिस्टर से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये देखिए, इसमें मैं पावर देता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें ये बंद किया, ये चालू किया, ये देखिए, ये यहाँ से बंद किया, ये बंद हो गया, और यहाँ से देखिए ये ऑन किया, ये चालू हो गया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये इसमें ये 12012 का ट्रांसफार्मर है, और इसमें देखिए ये 12 वोल्ट यहाँ पे इन हो रहा है, और ये यहाँ पे 12 वोल्ट इन ले रहा है, और ये इसका आउट पिन है। यहाँ से मॉस्फेट का ट्रिगर जा रहा है गेट में, और यहीं से एक 547 का ट्रांजिस्टर है, इसका एमिटर ग्राउंड है, और कलेक्टर से फिर से 12 वोल्ट से एक ऑन के दिया, और मॉस्फेट का गेट में ट्रिगर किया, और ये इन्वर्टर कंप्लीट हो गया। इसका सर्किट डायग्राम भी शेयर करूँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, ये अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक्स फ्रेंड देखने के लिए। तो ये इसका एसी वोल्ट भी दिखा रहा हूँ, एसी वोल्ट कितना बन रहे है। ये देखिए, मैंने इसका जो मीटर प्रॉब है, ये देखिए मीटर प्रॉब, ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, ये जो है मीटर लगाया, और यहाँ पे देखिए 217, ये 218 वोल्ट बन रहे हैं, और इसका गेट में कितना पल्स है वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका आउट पिन है, यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट, और ये मॉस्फेट का गेट पिन है, यहाँ पे देखिए, और ये एक गेट पिन है, ये देखिए 5.6 वोल्ट, और यहाँ पे भी 5.6 वोल्ट। एक्टिव विशेष घोषणा, एक्टिव विशेष घोषणा, एतुदारा ग्राम पंचायत। तो फ्रेंड, ये जो 555 आईसी का सर्किट डायग्राम है, इन्वर्टर में जो ड्राइंग है वो मैंने दिखाया है, ये मैंने खुद बनाया है, और ये देखिए कहाँ पे क्या लगेगा, रेजिस्टेंस और सबकी वैल्यू लिखा है, और दो तीन जगह में जो वोल्ट रहेगा वो भी लिखा है।